ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। भारत, फ्रांस और ग्रीस जैसे देश हमारे दुश्मन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, इससे हमको खतरा महसूस हो रहा है। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। ये बयान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव ने दिया है। कहा है कि भारत समेत कई देश आर्मेनिया को हथियार बेच रहे हैं, इससे उनके देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अगर ये चलता रहा तो हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया उनका सख्त कदम क्या होगा। तो आज हम जानेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया का विवाद क्या है, इस विवाद में भारत का नाम कहां से आने लगा और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अचानक से कैसे बढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान और उसके विवाद की। आर्मेनिया हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसकी सीमा अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान से मिलती है। राजधानी है येरेवन। आबादी लगभग 28 लाख है, 98% लोग ईसाई हैं। वहीं अजरबैजान की पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। जमीनी सीमा आर्मेनिया, रूस, जॉर्जिया, ईरान और तुर्की से लगती है। आबादी लगभग 1 करोड़ है। 96% लोग इस्लाम का यहाँ पालन करते हैं। अतीत में दोनों को लेकर पर्शियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर ने लड़ाई की है। बाद में दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा बने। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद दोनों आज़ाद हुए। विवाद की वजह क्या है? नगोनो कराबाख, ये इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर बसा हुआ है। 2023 में यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख थी। इसमें से 90% लोग आर्मेनियाई मूल के थे। वे अजरबैजान का शासन नहीं मानते थे। 1990 के दशक में इस इलाके को लेकर भयंकर लड़ाई हो चुकी है। तब 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर दूसरे देशों ने समझौता करवाया। समझौते में नगोनो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा बना रहा, मगर वहाँ पर आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी। उन्होंने अपनी सेना भी तैनात की। अजरबैजान के पास नाम भर का नियंत्रण था, लेकिन समय के साथ ये लड़ाई बढ़ी। आखिरी बड़ी लड़ाई सितंबर 2023 में हुई। इसमें अजरबैजान ने बढ़त बनाई। नतीजा, नगोनो कराबाख की अलग पहचान खत्म कर दी गई। आर्मेनिया के समर्थन से चलने वाली सरकार खत्म कर दी गई। नगोनो कराबाख की बड़ी आबादी भागकर आर्मेनिया चली गई। भारत के साथ दोनों का कैसा कनेक्शन है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्मेनिया के बारे में बताते हैं। भारत और आर्मेनिया के संबंध हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। आर्मेनिया में भारतीय बस्तियों के सबूत 149 ईसा पूर्व से मिलते हैं। आर्मेनिया की स्थानीय भाषा में भारतीय शहरों की पहली गाइड बुक 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मुगल साम्राज्य के दौरान आर्मेनिया से कुछ व्यापारी आगरा आए थे। मुगल बादशाह अकबर की एक बीवी मरियम जमानी बेगम आर्मेनियाई मूल की बताई जाती हैं। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1999 में भारत ने आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में अपना दूतावास खोला। वहीं भारत और अजरबैजान के संबंधों में 1991 के बाद तेजी आई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने उसको मान्यता दी और डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए। अजरबैजान में भारत का दूतावास राजधानी बाकू में है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत इसमें न्यूट्रल रहा है। उसका कहना है विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए। ये तो रही दोनों देशों के साथ भारत के संबंध की बात। अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम आलियेव। वो राजधानी बाकू में स्थित एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, फ्रांस, भारत और ग्रीस जैसे देश आर्मेनिया को हमारे खिलाफ जाकर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। हमने आर्मेनिया और उसे हथियार देने वाले देशों के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अजरबैजान की चिंता सिर्फ हथियारों को लेकर नहीं है, उसकी चिंता आर्मेनिया के बढ़ते समर्थन को लेकर भी है। सितंबर 2023 वाले विवाद में आर्मेनिया को बचाने कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद आर्मेनिया ने दूसरे यूरोपियन देशों का समर्थन हासिल किया। सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस का है। अक्टूबर 2023 में फ्रांस ने आर्मेनिया से वादा किया था कि हम आपको हथियार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। मगर फरवरी 2024 में फ्रांस के रक्षा मंत्री आर्मेनिया पहुंचे। वहां दोनों देशों के बीच हथियारों से जुड़ी कई डील्स हुई। फ्रांस का समर्थन टाइमिंग की वजह से भी खास है। फ्रांस एक तरफ यूक्रेन को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन की शुरुआत हुई थी 2017 में। फिर 2020 में सितंबर से नवंबर के बीच 44 दिनों तक लड़ाई चली। इसमें आर्मेनिया को अजरबैजान के हाथों हार झेलनी पड़ी। इसके बाद सितंबर 2023 में अजरबैजान ने एक झटके में नगोनो कराबाख पर कब्जा कर लिया। वहां रहने वाले आर्मेनिया मूल के लोगों को भागना पड़ा। आर्मेनिया का डर है कि अजरबैजान उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा सकता है। और तो और, जिस रूस ने मदद का वादा किया था
उसने भी आर्मेनिया का साथ नहीं दिया। जिन हथियारों की डील्स हुई थी वो भी नहीं भेजे। इससे आर्मेनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ी। तब आर्मेनिया ने नए पार्टनर्स की तलाश शुरू की। उसने अपना डिफेंस बजट भी लगभग दोगुना कर लिया है। तभी से भारत और आर्मेनिया के बीच सौदा बढ़ा है। अभी तक 3 बड़ी डिफेंस डील्स की रिपोर्ट्स आई हैं। पहली डील मार्च 2020 में हुई। इसमें आर्मेनिया ने लगभग 333 करोड़ रुपए में स्वाति डिफेंस सिस्टम खरीदा। दूसरी बड़ी डील सितंबर 2022 में हुई। इसमें आर्मेनिया ने भारत से एंटी टैंक हथियार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद खरीदे। ये डील 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। तीसरी बड़ी डील नवंबर 2022 में हुई। ये लगभग 1200 करोड़ रुपए की थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पुणे की कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को मिला था। इसमें अगले 3 साल तक आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सप्लाई करने की बात तय हुई। और क्या क्या खरीद सकता है आर्मेनिया? आर्मेनिया भारतीय हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। चर्चा है वो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। ये मिसाइल भारत ने रूस के साथ मिलकर डेवलप की है। ब्रह्मोस को जमीन, हवा और पानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेजी है। ये सौदा लगभग 3000 करोड़ रुपए का था। भारत से हथियार क्यों खरीद रहा है आर्मेनिया? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, भारत के हथियार अन्य कई देशों के मुकाबले किफायती हैं, कारगर भी। नंबर 2, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में तुर्की ने अजरबैजान का समर्थन किया है, आधुनिक हथियार दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आर्मेनिया को यूरोप के देशों से वैसा समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए उसने भारत का रुख किया। नंबर 3, आर्मेनिया सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। रूस और आर्मेनिया के अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके सदस्य हैं। इसको रूस की पहल पर 1992 में बनाया गया था। CSTO के कानून के मुताबिक अगर एक देश पर हमला हुआ तो वो पूरे संगठन पर हमला होगा। ये सिस्टम नेटो जैसा ही है। मगर 2020 और 2023 के संघर्ष में रूस ने आर्मेनिया का पक्ष नहीं लिया, वो न्यूट्रल बना रहा। जिन हथियारों को लेकर डील हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। लचन कॉरिडोर संकट में भी रूस चुपचाप रहा। इसी वजह से हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए आर्मेनिया ने भारत से डील की। चौथी वजह है आर्मेनिया के साथ करीबी। 3 फैक्टर्स इसे मजबूत बनाते हैं। पहला, आर्मेनिया भारत का कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन करता है। दूसरा, उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को लेकर भी समर्थन दिया हुआ है। तीसरा, अजरबैजान की पाकिस्तान से करीबी है, ये भी हमें आर्मेनिया के करीब करती है। अब समझते हैं भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में। पिछले 6 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है। साल 2023-24 में हमारा कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का सैन्य साजो सामान निर्यात किया था। भारत ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट्स करने का टारगेट रखा है। कौन आयात करता है? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। इसमें इटली, रूस, मालदीव, श्रीलंका, फ्रांस, मिस्र और इसराइल जैसे देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता है? भारत में बने लड़ाकू जहाज सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का 61% हिस्सा जहाज है। उसके बाद 20% एयरक्राफ्ट, 14% सेंसर की भागीदारी है। इसके अलावा भारत में बनी मिसाइलें और दूसरे हथियार भी खासे पसंद किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भारत कहाँ है? भारत ने भले ही पिछले वित्त वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया हो, मगर वो अभी भी बहुत पीछे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 में आई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का 42% अकेले अमेरिका करता है। 2024 में उसने अकेले 20 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। ये 5 देश कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का 75% हिस्सा संभालते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य आपको यहाँ पर बताते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाला देश भारत है। भारत को हथियार बेचने वालों में रूस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फ्रांस और तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। भारत का आयात डिफेंस एक्सपोर्ट की तुलना में कई गुना ज़्यादा था। हमने इस विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव अरूर से बात की। हमने उनसे पूछा कोई देश भारत के साथ हथियार कैसे खरीदता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका क्या है। बिल्कुल, एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर कोई देश इंडिया से कुछ हथियार या कुछ मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना चाहता है, पहला कदम वो है कि जो देश हथियार खरीदना चाहता है इंडिया से, वो बेसिकली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो उस देश का दूतावास जो इंडिया में होगा, उनका एम्बेसी जो है वहाँ पर ये लेटर आता है। ये लेटर फॉरवर्ड होता है भारत का रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय
दोनों जुड़कर इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये हम एक्चुअली सप्लाई कर सकते हैं, क्या ये देश हमारा दोस्त है, बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं और उसके बाद एक बहुत हाई लेवल डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट कमिटी के लेवल पे एक डिसीजन लिया जाता है कि क्या हम ये इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा प्रोसीजर ऐसा है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आए हैं, भारत डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाने में कैसे कामयाब हुआ? पिछले 10-12 साल में एक बहुत ही अहम पॉलिसी चेंज हुआ है भारत में, क्योंकि पहले भारत एक पॉलिसी लेके आगे चलता था कि ये गांधी का देश है और इसलिए जो हथियारे बनते हैं भारत में वो बाहर नहीं भेजे जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत का एक माइंडसेट था कि हम एक पीस लविंग देश हैं, हम शांतिपूर्ण देश हैं और इसलिए हम हथियार के मार्केट में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सच है कि इंडिया बहुत सारा हथियार इंपोर्ट करता है बाहर से, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन था, ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन था कि ये हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब देश दुनिया इतना बदल चुका है, इतने जियोपॉलिटिकली जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के इतने बदल चुके हैं, इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर है एक रीजनल पावर बनने के लिए, इसलिए पिछले 10 साल में एक पॉलिसी चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है माइंडसेट में कि जो हथियार हम बनाते हैं हम फ्रेंडली दोस्त देशों के लिए हम बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो फिलीपींस के पास मेड इन इंडिया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स जा चुके हैं, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स अजरबैजान अर्मीनिया गए हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं जो गए हैं। तो एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो था एक ऑलमोस्ट एक बैरियर था एक्सपोर्ट्स के लिए, अब वो बिल्कुल खुल गया है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या दिखता है, क्या भारत की डिफेंस इंडस्ट्री हमारी सेना की जरूरतों को पूरा कर सकती है? वो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अभी मैं मानता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है हथियार की मैन्युफैक्चर में, वो अभी तक इनएडिक्वेट है, वो काफ़ी नहीं है। अभी भी जो हथियारे बनते हैं भारत में वो मेजॉरिटी जो है वो स्टेट ओन्ड या PSU फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे कि HAL या DRDO के जो लेबोरेटरीज हैं और बहुत सारे जो डिफेंस PSUs हैं वहाँ पे बनते हैं। लेकिन आगे जाकर अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड आता है और काफ़ी पॉलिसी चेंज काफ़ी कुछ बदल चुका है, जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं जैसे कि टाटाज या महिंद्राज, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फौज, ऐसे कंपनीज जो हैं वो काफ़ी आधुनिक और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस हार्डवेयर बनाते हैं जो सप्लाई भी कर चुके हैं सेनाओं को। लेकिन आगे जाकर ना सिर्फ ये डोमेस्टिक मार्केट को मीट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दुनिया बदल चुका है, जो सप्लाई चेन है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए वो काफ़ी चेंज हो गया है। रशिया जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन सप्लायर्स था, अब वो बिल्कुल युद्ध में जूझ रहा है यूक्रेन के साथ, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेंटी है और इसलिए इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आगे जाकर। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट, अब एक बड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। खबर हेती से है। हेती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने 25 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक महीने पहले ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। अब क्या होगा, एक ट्रांजिशनल काउंसिल काम करेगी। हेनरी की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे मिशेल पैट्रिक बाउआ काउंसिल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। इस काउंसिल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की है। उसके बाद काउंसिल को देश में आम चुनाव कराना होगा। इस काउंसिल का कार्यकाल 7 फरवरी 2026 तक का है। उम्मीद जताई जा रही है तब तक राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाएगा। इस मामले पर अमेरिका का रिएक्शन भी आया है। उसने कहा कि ये काउंसिल हेती में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बढ़ा एक जरूरी कदम है। क्यों दिया एरियल हेनरी ने इस्तीफा? हेती पर क्रिमिनल गैंग्स का कब्जा हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह फेल है। फरवरी 2024 के अंत में एरियल हेनरी मदद मांगने केन्या गए थे। पीठ पीछे देश में बड़ा जेल ब्रेक हुआ। 4,000 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया गया। इनमें से अधिकतर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे थे। इन गैंग्स ने एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग की थी। हेती की स्थिति के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
देश दुनिया की और भी जरूरी और दिलचस्प घटनाओं पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभरात्रि।